बड़ा हमले करना जा रहा है, तो ऐसी जंगी माहौल में ईरान को पछाड़ते हुए हूती ने लाल सागर में खौफनाक हमला किया है। हूती के इस हमले ने इजराइल और अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं। हूती ने साफ कह दिया है कि इजराइल और अमेरिका को हानिया की हत्या और गाजा में चल रहे नरसंहार की कीमत चुकानी पड़ेगी। तेल टैंकर में धमाका, हूथी का खूनी हमला। अगर इजराइल और अमेरिका हूथी लड़ाकों को अनाड़ी और कम खतरनाक समझते हैं तो जरा लाल सागर का ये वीडियो देख लीजिए। हूथी ने ऐसा धमाका किया है कि इजराइल, अमेरिका और ग्रीस के होश उड़ गए हैं। हूथियों के इस हमले की हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए हूथी ने इसी वक्त हमला आखिर क्यों किया है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जिस वक्त इजरायली सेना गाजा पट्टी, खान यूनुस और रफा में चुन चुन कर हमास के लड़ाकों को मार रही थी, उसी वक्त हिजबुल्ला उत्तरी इजरायल पर लेबनान की तरफ से भीषण हमले कर रहा था। जिस वक्त इजराइल हिजबुल्ला के 40 ठिकानों पर हमला करके उसके आधे से ज्यादा टॉप कमांडर्स को मार रहा था, ठीक उसी वक्त लाल सागर में यमन के हूथी विद्रोही नौसेना मिसाइलों से अमेरिका और इजराइल के लड़ाकू युद्धपोत पर भीषण हमला कर रहे थे। मिडिल ईस्ट और पश्चिम एशिया में इस वक्त इजराइल अमेरिका की शह पर कोहराम मचाए हुए है, लेकिन ये भी सच है कि ना तो हमास, ना ही हिजबुल्ला और ना ही हूथी के लड़ाके हमला करने से चूक रहे हैं। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है ईरान, जो इजराइल के वजूद को खत्म करने पर आमादा है। हूथी पिछले 10 महीने से लाल सागर में इजराइल, अमेरिका, ग्रीस और पश्चिमी देशों को निशाना बना चुके हैं। हूथी ने फोड़ा 1.5 लाख मीट्रिक टन का बम। हम आपको दिखाते हैं हूथी ने कैसे ग्रीस के तेल टैंकर को धमाके में उड़ाया। खबर के मुताबिक ग्रीस का झंडा लगा हुआ एक तेल टैंकर जैसे ही लाल सागर से गुजरा, हूथी विद्रोहियों ने उस पर ड्रोन और मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। खबरों में दावा किया गया कि जिस वक्त तेल टैंकर में हमले के बाद बारूदी धमाका हुआ, उस वक्त तेल टैंकर में कच्चा तेल लबालब भरा हुआ था। ग्रीस के तेल टैंकर में धमाका होते ही आग की लपटें आसमान छूने लगी। हूथी के इस हमले के बारे में और क्या जानकारी मिली है, जरा उसे भी जान लीजिए। खबरों के मुताबिक ग्रीस के तेल टैंकर पर हूथी ने किस तारीख को हमला किया था, इसकी पुष्टि ग्रीस की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन हूथी लड़ाकों ने दावा किया है कि लाल सागर में तेल टैंकर पर हुए हमले का एक वीडियो 22 अगस्त को फिल्माया गया, जबकि इस वीडियो को शुक्रवार यानी 24 अगस्त को हूथी की तरफ से जारी किया गया। यूनाइटेड किंगडम मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक लाल सागर में ग्रीक ध्वज वाले तेल टैंकर पर 3 बार आग लगी थी, जिसके बाद भयानक धमाका हुआ। यूरोपीय संघ की एजेंसियों की तरफ से यहां तक दावा किया गया कि जिस तेल टैंकर में जोरदार धमाका हुआ है उसमें 1.5 लाख मीट्रिक टन कच्चा तेल भरा है, जो अब लाल सागर में बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। तेल टैंकर पूरी तरह से तबाह हो चुका है, जबकि एक यूरोपीय युद्धपोत ने तेल टैंकर में मौजूद चालक दल के 25 लोगों को बचा लिया। वहीं हूथी कमांडर ने दावा किया कि हूथी इस तरह के और भी भीषण हमले लाल सागर में करता रहेगा। نفذت القوات المسلحة اليمنية
عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر وخليج عدن. العملية الأولى استهدفت سفينة سونيون النفطية التابعة لشركة تتعامل مع العدو الإسرائيلي، وانتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، وقد أصيبت السفينة إصابة دقيقة ومباشرة أثناء إبحارها في البحر الأحمر. हम आपको हुथी से जुड़े चार वीडियो दिखा रहे हैं और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यमन के हुथी लड़ाके आखिर क्यों इजराइल और अमेरिका के खून के प्यासे हो चुके हैं। पहले वीडियो को जरा गौर से देखिए, जहां हमास चीफ हानिया की तस्वीरों को लेकर हुथी लड़ाके और हानिया समर्थक जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। यमन में हुए इस प्रदर्शन में हजारों हुथी शामिल हुए, हाथों में हमास चीफ हानिया और हिजबुल्ला के नंबर दो रहे कमांडर फुआद शुकर की तस्वीरें लेकर इजराइल से बदला लेने की कसमें खा रहे हैं। और अब आप दूसरी तस्वीर भी देखिए, इसमें हूथी लड़ाके गाजा में फिलिस्तीनियों की मौतों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। हजारों की तादाद में हूथी AK-47 जैसे हजारों राइफलें और गन्स लेकर प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। और अब तक गाजा युद्ध में मारे गए 40,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को लेकर के यहाँ भयंकर गुस्सा है। यमन की राजधानी सना में हुए इस प्रदर्शन में हूथियों ने हथियारों के साथ जबरदस्त प्रदर्शन किया। تعليقنا على استقبال الكونغرس الملعون نتنياهو قاتل الأطفال والنساء وموقف الكونغرس في استقباله والتصريحة بأننا نقول له إنما ازددنا عنفوانا وصلابة والشعب اليمني سوف يحدد نهايات ما بدأتموه وأننا بإذن الله تعالى سوف نكون خير سند وعون لإخواننا المجاهدين في فلسطين. हुथियों से जुड़ी तीसरी तस्वीर ने तो इजराइल के साथ साथ अमेरिका के भी होश उड़ा दिए हैं। इस तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि हुथी अमेरिका के सबसे खतरनाक MQ-9 ड्रोन के मलबे पर खड़े हैं। हुथी लड़ाकों का दावा है कि उन्होंने अब तक अमेरिका के 4 MQ-9 ड्रोन को मिसाइल हमला करके गिरा दिया है। हुथियों के दावे के बाद से इजराइल तक घबरा गया है। यमन की राजधानी सना में शुक्रवार यानी 23 अगस्त को हुथियों ने ऐसा जबरदस्त प्रदर्शन किया है जिसने ईरान तक को हैरान कर दिया। पानी में व्हीलचेयर पर बैठा हुथी लड़ाका तक इजराइल और अमेरिका से गाजा और हानिया की हत्या का बदला लेने की कसमें खा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने साफ कह दिया है कि वो हुथियों के हर हमले का पूरा समर्थन आखिरी दम तक करेंगे। از مقاومت و همه گروه هایی که در محور مقاومت قرار می گیرند، همه کشورهایی که در حوزه مقاومت قرار می گیرند، یک اصل تغییر ناپذیر هست و ما به این سیاست اصولی خودمون ادامه خواهیم داد. قطعا حمایت از مردم لبنان، حمایت از مردم فلسطین، مردم مظلوم فلسطین به خصوص در غزه، حمایت از مردم در یمن، حمایت از مردم در هر جای دیگر جهان اسلام به خصوص در حوزه محور مقاومت. हमास और हिजबुल्ला के लड़ाके जहां जमीन के जरिए ज्यादा हमले कर रहे हैं, तो वहीं हूथी विद्रोही समंदर के रास्ते हमले कर रहे हैं। और यही वजह है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर यमन में हूथी ठिकानों पर पिछले 3 से 4 महीने में कई दर्जन भयानक हवाई हमले किए हैं। हूथी विद्रोहियों का आरोप है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर के यमन के करीब 424 ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं, जिसमें कई दर्जन यमन के नागरिक भी मारे गए हैं। इस तरह का एक इजरायली हमला यमन में हूथी के ठिकानों पर हुआ था। 20 जुलाई को इजराइल ने 2000 किलोमीटर दूर यमन पर हमले किए। उसने पूरे मिडिल ईस्ट में कोहराम मचा दिया। यमन के हूथी विद्रोहियों ने 19 जुलाई को इजराइल के तेल अवीव में ड्रोन से हमला किया था।
और उसका बदला नेतन्याहू ने खुद अपनी आंखों के सामने लिया जिस वक्त इजराइल के फाइटर जेट F-35 F-16 यमन के होदेदा पर हमले कर रहे थे। उसकी एक एक लाइव तस्वीर नेतन्याहू लाइव देख रहे थे। जरा देखिए यमन के होदेदा शहर में इजराइल के बेहरम एयर स्ट्राइक से कैसी तबाही मची थी। तस्वीर नंबर एक देखिए, यमन के होदेदा पोर्ट को इजरायली वायुसेना ने पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया था। दावा किया गया था कि यमन के इसी पोर्ट पर ईरान से हूथी विद्रोहियों के लिए घातक हथियार, ड्रोन और मिसाइलें आती है जिन्हें इजरायली हमले में बर्बाद कर दिया गया। अब तस्वीर नंबर दो को देखिए, इजरायली वायुसेना के फाइटर जेट्स ने होदेदा शहर में मौजूद एक बड़े पावर स्टेशन पर भयानक हमले किए थे। पावर स्टेशन को मिसाइल और घातक बमों से पूरी तरह तबाह कर दिया गया था। तस्वीर नंबर तीन देखिए, जिसमें होदेदा शहर में मौजूद एक बड़े तेल डिपो पर जबरदस्त हमला इजरायली सेना ने किया था। इजराइल के हमले में तेल डिपो में भयानक आग लगी थी। आग की लपटें 200 से 300 मीटर तक उठती हुई साफ देखी जा सकती है। मौके पर मौजूद सैकड़ों यमन के नागरिक इस बेरहम हमले से हुई तबाही का वीडियो बनाते रहे। מתחילת המלחמה הבהרתי שישראל תפגע בכל מי שיפגע בנו, ולכן מוקדם יותר היום כינסתי את הקבינט המדיני-ביטחוני. ביקשתי ממנו שיתמוך בהחלטה שהבאתי לתקוף את יעדי החות'ים בתימן. הנמל שתקפנו איננו נמל תמים. הוא שימש למטרות צבאיות, הוא שימש כנקודת כניסה לנשק קטלני שסופק לחות'ים על ידי איראן. והם השתמשו בנשק הזה כדי לתקוף את ישראל, לתקוף את מדינות האזור, לתקוף נתיב שייט בינלאומי, נתיב שייט מהחשובים בעולם. यही वजह है कि हूथी विद्रोही 20 जुलाई को यमन पर हुए इजरायली हमले का अब चुन चुन कर बदला ले रहे हैं, और इसीलिए हूथियों ने ग्रीस के तेल टैंकर को धमाके से उड़ा दिया है। और अब देखना होगा कि हूथी के हमलों को रोकने के लिए अमेरिका और इजरायल आखिर क्या करते हैं। और चलिए अब खबर आपको भीलवाड़ा से देते हैं, जहां भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव यानी कि जन्माष्टमी के पर्व को लेकर भीलवाड़ा के मंदिरों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। मंदिरों में सजावट के साथ ही विभिन्न झांकियों के साथ कई धार्मिक आयोजन भी किए जाएंगे। यहां प्रसिद्ध दूधाधारी मंदिर में जन्माष्टमी पर्व को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है, जिसमें मंदिर के सजावट और झांकियां सजावट का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। इसके साथ ही जन्माष्टमी पर्व के दूसरे दिन होने वाले मलखंभ को लेकर भी भक्तों में काफी उत्साह है। प्राचीन दूधाधारी मंदिर में वृंदावन से आए कलाकार झांकियों और फूलों से मंदिर में आकर्षक सजावट करेंगे। 1609 बसंत पंचमी बुधवार को इसकी स्थापना हुई थी और 471 वर्ष ठाकुर जी को यहाँ पर विराजमान हुए हो गए हैं। और निम्बार्क संप्रदाय का ये मंदिर है, प्रथम हमारे मैथिल संप्रदाय से महाराज जिन्होंने इसकी स्थापना करी। तभी से ठाकुर जी के विभिन्न प्रकार के उत्सव और महोत्सव पर्व मनाए जाते हैं। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, आगे आप देखिए हमारे राजस्थान में तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।